प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके नजदीकी लोगों के ठिकाने पर गुरुवार को छापेमारी की। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने 5 करोड़ रुपए नकद, 3 गोल्ड बिस्किट, विदेशी हथियार, लगभग 300 कारतूस और 100 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की। फिलहाल इस मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दिलबाग सिंह की बात करें तो दिलबाग सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और INLD नेता अभय सिंह चौटाला के समधी हैं। दिलबाग सिंह ने अपनी बेटी की शादी अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला से की है। इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह 2009 और 2014 में यमुनानगर से INLD के विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2019 में उन्हें बीजेपी के घनश्याम दास ने करीब 1400 वोटों के अंतर से हराया था। दिलबाग सिंह ने 1994 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। उनका ट्रांसपोर्ट और माइनिंग का कारोबार है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिलबाग सिंह राज्य के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक थे। दिलबाग सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में 34 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित कर रखी थी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक दिलबाग सिंह पर हत्या की कोशिश का मुकदमा भी लंबित है। बहरहाल केंद्रीय एजेंसी राजस्व और करों के संग्रह को आसान बनाने और खनन क्षेत्रों में कर चोरी को रोकने के लिए 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई ऑनलाइन योजना में कथित धोखाधड़ी की जांच कर रही है। इसी के मद्देनजर ईडी ने PMLA के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में दिलबाग सिंह से जुड़े लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें ईडी को कुबेर का खजाना हाथ लगा है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।